ग्रेड होता है, मिक्सचर भी होता है, गैस तो नहीं होता, तो गलत हो गया वाला ऑप्शन। इस तरह से सोर्स क्या क्या चाहिए, तुमको दे दिया फ्लेम, दे दिया हीट, दे दिया सडन शॉक, इसके अलावा नन ऑफ दिस का ऑप्शन है। तो तुमको पता होगा तब ना तुम मारोगे। इसलिए एक्सप्लोसिव के बारे में क्या क्या बात बोला गया, नहीं बोला गया, ये एमटी के भोले मन में क्या क्या बात बोला उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बोला गया स्टेट, एक्सप्लोसिव जो होता है किस अवस्था में रहेगा, एक्सप्लोसिव जो होगा किस अवस्था में रहेगा, कैसे डिफाइन करेंगे। तो बोला गया इट इज स्टेट ऑफ द सॉलिड, ये क्या है, ये सॉलिड लिखो, सॉलिड कॉमा लिक्विड, इसका स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और मिक्सचर, और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो सकता है, और मिक्सचर हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस आपका एमसीक्यू में ना बहुत काम आएगा। तो एक्सप्लोसिव क्या होता है, एक्सप्लोसिव क्या है? या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारा पदार्थ का मिश्रण हो सकता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारा पदार्थ का क्या हो सकता है, मिश्रण हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव कहेंगे। थोड़ा सा मैं लाइट को कम करता हूँ कैमरा का, क्योंकि उसका छाया ना बन रहा है बोर्ड में, ठीक है, और थोड़ा कैमरा को भी साफ करता हूँ। तुम लोग बोल नहीं रहा कि सर कैमरा साफ कर दीजिए। ठीक है, चलो, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। दूसरा नंबर बात क्या बोला है, बोला इसका, इसको इग्नाइट करने के लिए सोर्स क्या चाहिए, ठीक है, सोर्स ऑफ इग्निशन, सोर्स ऑफ इग्निशन। मैं पूरा टॉपिक वाइज नहीं, तुम किताब पढ़ोगे आपको मैच कर जाएगा सारा का सारा बात। तो एक्सप्लोसिव को इग्नाइट करने के लिए सोर्स ऑफ इग्निशन क्या होना चाहिए, तो बोलता है इसमें सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए, इसका फ्लेम दे सकते हो, फ्लेम कॉमा हीट हो सकता है, हीट कॉमा और क्या हो सकता है, और सडन शॉक, और सडन शॉक, सडन शॉक, ध्यान से सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, किसी चीज को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। और एक बात, आज का टॉपिक इसलिए भी रखा गया है कि मैं ये भी देख रहा हूं कि आपको ये पढ़ने में इस तरह से आपको मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कि हाँ इस तरह से आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, कि हाँ इस तरह सारा पढ़ा रहे हमको मस्त लग रहा है, कि इसमें आप छोटा छोटा करके हर एक पॉइंट को लिखवा दे रहे हैं, यानी एग्जाम में जो भी आएगा हम लोग उसको कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट, एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, फिर मैं समझाऊंगा एक साथ इसमें क्या बोलना चाह रहा है, एनर्जी कन्वर्ट और चेंज, कन्वर्ट, तो एनर्जी किसमें चेंज होता है। तो एक्सप्लोसिव क्या, देखो इट इज अ मिक्सचर है, मिक्सचर है डिफरेंट टाइप्स का सब्सटेंस का, तो एक तरह से क्या है, एक तरह से केमिकल प्रोडक्ट है, एक तरह से क्या है, केमिकल है, ये डिफरेंट टाइप्स का केमिकल होता है, इट इज अ केमिकल एनर्जी होगी, इसमें केमिकल एनर्जी होता है, मैं समझाऊंगा, पहले आप लिखो, इसमें केमिकल एनर्जी होता है, और केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी जब चेंज होता है तो किसमें चेंज होता है, ये तो ये बनाता कुछ हीट, क्या बनाता है, हीट में चेंज होता है, हीट एंड साथ में कुछ मैकेनिकल एनर्जी, जिसके कारण क्या होता है, पत्थर टूटता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक, मैं छोटा में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ERGY, तो मैकेनिकल एनर्जी और साथ में हीट एनर्जी, दोनों में चेंज होता है केमिकल, मतलब एक्सप्लोसिव में जो एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है वो, तो वो है केमिकल एनर्जी, चेंज किस में आ रहा है, इसमें। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करूंगा, पहले आप लिखो इस बात को, फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा इसमें देखने में। और जो रिएक्शन होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है एक्सप्लोसिव में, रिएक्शन के बारे में क्या बोला गया है, रिएक्शन क्या होता है भाई, तो एक्सप्लोसिव में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या होता है उसमें, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो, अब तुमको क्या समझ में आया, अब देखो, अब तुम्हारा डेफिनेशन क्लियर हुआ, बोल रहा है तो व्हाट इज एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव क्या है भैया, एक्सप्लोसिव क्या है, तो बोलता है एक्सप्लोसिव क्या है ना, यह सॉलिड लिक्विड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। फिर बोलता है इसको आप फ्लेम हीट सडन शॉक दोगे तो क्या होगा, फूटेगा तो क्या होगा, तो इसमें जो केमिकल एनर्जी वो चेंज होगा हीट और मैकेनिकल एनर्जी, अगर वो फूटता तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर इनटू हीट और मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी बनेगा वही क्या करेगा, रॉक और पत्थर को तोड़ेगा, जब रॉक और पत्थर टूटेगा तो मेरा अपना फुलफिलमेंट पूरा होगा भाई, और ये जो रिएक्शन हो रहा है इसी रिएक्शन को बोलता ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे, अगर इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में लिखे, तो हम बोल सकते हैं एक्सप्लोसिव जो होता है, एक्सप्लोसिव को क्या चाहिए भाई, एक्सप्लोसिव को चाहिए तीन चीज, क्या चाहिए, हीट देना है, आप हीट दे सकते हैं, आप उसको शॉक दे सकते हैं, आप उसको क्या दे सकते हैं, हीट दे सकते हैं, शॉक दे सकते हैं, या फिर फ्लेम दे सकते हैं। जैसे आप देंगे इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, आप करवा दिए उसका, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा है कि ऑक्सीडेशन अपने आप हो जाएगा, देने से ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, और देगा तो क्या बना देगा, वो बना देगा आपका हीट बना देगा और मैकेनिकल एनर्जी बना देगा। ये मैकेनिकल एनर्जी ना, वही प्रेशर एनर्जी जो आप बोलते हैं ना, वही एनर्जी।
जो डिफरेंट वॉल्यूम में चेंज हो जा रहा, सडन वॉल्यूम में रिलीज कर रहा, प्रेशर चेंज हो जा रहा, वही मैकेनिकल एनर्जी वही है। ये क्या बनाया, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एनर्जी को छोटा में कैसे लिखते हैं, एन ई आर जी वाई। ठीक है, चलो पूरा लिख देते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज पर ईएमटी क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हर एक बात, हर एक लाइन से सवाल आ सकता है कि तुमसे पूछेगा एक्सप्लोसिव इज ए, तुम सवाल कैसा आएगा, सवाल में बात करते हैं, तुमसे सवाल कैसा पूछेगा बाबू, बोलेगा बताओ तो जो एक्सप्लोसिव होता है वो किस तरह का सब्सटेंस, ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड गैस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, विच वन इज रॉन्ग। एक्सप्लोसिव जो है किस तरह का सब्सटेंस है, इसमें से कौन सा गलत, वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो उसमें तुम बताओ सॉलिड भी होता, लिक्विड होता, मिक्सचर भी होता, गैस तो नहीं होता, तो गलत हो गया वाला ऑप्शन। इस तरह से सोर्स क्या क्या चाहिए, तुमको दे दिया फ्लेम, दे दिया हीट, दे दिया सडन शॉक, इसके अलावा नन ऑफ दिस का ऑप्शन है। तो तुमको पता होगा तब ना तुम मारोगे, इसलिए तुम सारे चीज को अच्छे से पढ़ो। साथ में पूछे केमिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, तो एक्सप्लोसिव में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी आया कहां से, क्योंकि वो कुछ केमिकल से मिलकर बना होता है। देखते हैं ना भाई, जो एक्सप्लोसिव होता है कैसे बनता है, एक्सप्लोसिव कैसे बनता है, उसमें फ्यूल चाहिए जो जलता है, ठीक है नहीं, इसमें लोग फाइबर यूज करते हैं, चारकोल यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसमें नाइट्रेट्स यूज किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है। तो वो सारा चीज आपस में कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होकर क्या कर रहा है, वही तो केमिकल बनाया एनर्जी, और वही चेंज हो रहा है मैकेनिकल और हीट में चेंज हो रहा है। तो यही तो सबसे बड़ा मेन पर्पज मेरा सॉल्व हो गया, ये वाला हो रहा है। और वो जो रिएक्शन है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्साइड्स, क्योंकि तुम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला रहे हो, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है और रिएक्शन हो रहा है रैपिड फास्ट, तो वो क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखा है तो एक्सप्लोसिव क्या होता है, एक्सप्लोसिव क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड और मिक्सचर सब्सटेंसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन जब करते हैं हम लोग, जिसके जरिए प्रोसेस क्या है, उसको हीट शॉक और फ्लेम देने से होता है, और वो हीट और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मोटा मोटी पूरा का पूरा बात हो गया आपका ईएमटी का पहला जो पैराग्राफ, उससे आपका ये बात निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट उसी में क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, आपके पास तो बुक भी होगा, सभी बच्चों के पास बुक होगा, आप पढ़ने के लिए फ्री हो, तुम पढ़ना अपने हिसाब से। ठीक है, आपको, ठीक है, जो इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं मैं सारा चीज को नोट करवा देता हूँ। अब इसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बाबू, किसी को कोई दिक्कत है अभी तो आप पूछ लो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट पे, पॉइंट लिखा हुआ है एबीसीडी करके, किसी को कोई दिक्कत है बाबू अपना पॉइंट को रख के पूछ लो, अब अपना बात को पूछो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। किसी कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाह रहा है, फ्रेम का एक पॉइंट है सर, ए नंबर स्टेट, मतलब जो एक्सप्लोसिव होता है उस किस तरह का एक्सप्लोसिव का अवस्था क्या रहता है, तो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस के रूप में रहता है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर में। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा पैराग्राफ बोलता है कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोसिव क्या होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन के बारे में किसको नहीं पता है भाई, सबको तो मैं पढ़ा पढ़ा के बुढ़ा बना दिया हूं, एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन रटा दिया हूं ना, है ना। पर हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोसिव पे एक बार रिविजन करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोसिव पे क्या कर रिविजन करना चाहूंगा मैं, तो आपको जल्दी से रिप्लाई देना है। ठीक है, चलो फटाफट रिप्लाई देकर बताओ। सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं, ठीक है, फेल। फेल के रूप में एक्सप्लोसिव में क्या यूज होगा, फेल के रूप में क्या यूज होगा बाबू, चलो फटाफट। ठीक है, फ्यूल के रूप में क्या होता है, वुड होता है, वुड, लकड़ी होता है, लकड़ी होता है, फाइबर होता है, चारकोल होता है, ये सारा चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, सल्फर का इस्तेमाल होता है, सल्फर भी होता है, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नंबर फ्यूल के बराबर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी बताएं, नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रेट ऑफ किसका, सोडियम का, पोटासियम का, अमोनियम का, है ना, अमोनियम का नाइट्रेट इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल करते हम लोग। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तीसरा नंबर। इसके अलावा एक्सप्लोसिव में और क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्टेबलाइजर एजेंट होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो स्टेबिलिटी के लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं उसमें, स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं एक्सप्लोसिव में, कार्बोनेट मिलाते हैं, किसका कार्बोनेट होता है, किसका कार्बोनेट होता है, किसका कार्बोनेट हम लोग मिलाते हैं, किसका कार्बोनेट होता है, कैल्सियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, CaCO3 होता है, और क्या होता है, कैल्सियम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है ना, MgCO3 का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये भी होता है। अच्छा, इसके अलावा कूलिंग एजेंट होता है ना, कूलिंग एजेंट होता है ना एक्सप्लोसिव में, कूलिंग एजेंट में क्या मिलाते हैं हम लोग, क्या मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं, ठीक है, NaCl नॉर्मली यूज किया जाता है, ये होता है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, दाने दाने में आयोडीन। चलो नेक्स्ट, कूलिंग एजेंट हो गया,
स्टेबलाइजर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और क्या मिलाते हैं हम लोग, कूलिंग एजेंट हो गया, और क्या है सेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिविटी तो चाहिए, सेंसिटिविटी के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग इसमें, कोई मेटलिक पाउडर होता है, नॉर्मली एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल होता है, ये करते हम लोग, ठीक है। और छठा नंबर एंटी केकिंग एजेंट होता है जो कि उसको जमने नहीं देता, खराब होने नहीं देता, ठीक है, ये होता है एंटी केकिंग केकिंग एजेंट होता है। ये छह तरह का चीजें नॉर्मली कंपोजिशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यही छह चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था एक करके, ठीक है, जो कि क्लास का पार्ट था, हम लोग देख लिया, इसे पाछे लिखा हुआ है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 को और करे अपने गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।